तो उनको वो तो 400 बार का खुद से नारा दे रहे, तो योगी जी क्यों आ रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं वो रोडों पे बताइए, जब वो खुद से 400 बार का उन्होंने सोच ही लिया है तो क्यों आ रहे हैं रोडों पे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, क्यों रैलियां कर रहे हैं आज मोदी जी गाजियाबाद में आ रहे हैं, क्यों घूमते फिर रहे हैं जब आप लोग 400 पा रही है। तो ये सब चीजें कहने की कुछ और है, इन लोगों को जगह नहीं मिलने वाली आने वाले टाइम में। क्या तो नगीना में हैं हम इस वक्त, और आज बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर एक बड़ी रैली हुई, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने उसे संबोधित किया, तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता और पदाधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में नहटोर से पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के, मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या माहौल देख रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी का? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और देखिए मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आज की जनता में वो जोश भरा हुआ था हमारे कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के लिए, इस पार्टी के लिए, बहन जी के लिए, उन्होंने सबने मिलके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, और हमारे आवाज़ ना वहाँ तक जा रही है, दिल्ली में बैठे हुए लोग तक देख रहे हैं कि भाई हाँ इस पार्टी में कुछ बदलाव लाएंगे तो सिर्फ ये युवा पीढ़ी ही लेके आएंगे जी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा इस बार चुनाव, हमारी बहन जी चुनाव जीतेंगी और बहुत जोरों शोरों से जीतेंगे। चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर जी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है बहुजनों का यहाँ पर जो वोट है वो बढ़ जाएगा, बीजेपी मौका मार सकती है। देखिए चंद्रशेखर की मैं अभी आपको बात बता रही हूँ कि सिर्फ आरएसएस के ही हैं वो, दूसरी कॉपी है, वो कुछ नहीं करने आए हैं यहाँ पे, सिर्फ भाईचारा ख़त्म करने के लिए आए हैं। जो आज यहाँ पे भाईचारा था हिंदू मुस्लिम दलित भाइयों में, सब में जो भाई, वो सिर्फ बांटने का काम करने आए हैं। ऐसे कितने लोग आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, उनकी पार्टियाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए बनी होती हैं, जो चुनावों में दिखती हैं फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भी यहाँ से आके कि हिंदू मुस्लिम इधर उधर हो जाएगा, तो मुस्लिम भाइयों को भी समझ में आ गया कि एकमात्र बहन जी की पार्टी है जो सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से ख़त्म कर सकती, अदरवाइज कोई और पार्टी नहीं है। लेकिन मीडिया में खबरें और सर्वे इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि देश में जो मुकाबला है वो इंडिया वर्सेस एनडीए का है। मीडिया तो देखिए अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मीडिया ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पाते, जो उनको दिखता है वो बातें कर लेते हैं। तो ज़मीनी स्तर पे रिपोर्ट यही है कि बहन जी चुनाव जीत रही हैं, उनको वो तो 400 बार का खुद से नारा दे रहे, तो योगी जी क्यों आ रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं वो रोडों पे बताइए, जब वो खुद से 400 बार का उन्होंने सोच ही लिया है तो क्यों आ रहे हैं रोडों पे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, क्यों रैलियां कर रहे हैं आज मोदी जी गाजियाबाद में आ रहे हैं, क्यों घूमते फिर रहे हैं जब आप लोग 400 पा रही है। तो ये सब चीज़ें कहने की कुछ और है, इन लोगों को जगह नहीं मिलने वाली आने वाले टाइम में। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव में मुद्दा से विकास का, शिक्षा का और इस भ्रष्ट सरकार को ख़त्म करने का रहेगा। हम लोगों की यही रहती है कि हम इस सरकार को ख़त्म करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। चलिए थैंक यू। थैंक यू। चलिए।